हेलो गाइस, स्वागत है आपका द पावर टेक्निकल चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिश टीवी के 1 ईयर प्लान के बारे में, रिचार्ज प्लान के बारे में। ठीक है जी, तो 1 साल का जो रिचार्ज होने वाला है 599 का रिचार्ज होने वाला है, और उस रिचार्ज में 599 के रिचार्ज में आपको FTA के सारे चैनल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपके पास डिश टीवी का अगर सेटअप बॉक्स अवेलेबल है या D2H का सेटअप बॉक्स अवेलेबल है, उस सेट बॉक्स में 599 का आप रिचार्ज कराते हैं तो उस रिचार्ज में आपको पूरे साल भर तक फ्री टू एयर चैनल देखने को मिलेंगे, जिसमें ABP, आज तक, जी न्यूज वगैरह वगैरह, आस्था संस्कार के जितने भी सारे चैनल है, भोजपुरी और कुछ मूवीज के चैनल आपने देखे होंगे, स्टार उत्सव और वी फॉर यू एंटरटेन, ऐसे बहुत सारे चैनल में बड़े बड़े चैनल आपको FTA पैक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद मैं बता दूं, इसमें FTA पैक एक्टिवेट करने के बाद में आप इसमें कोई भी अलग से भी चैनल ऐड कर सकते हैं, और उस चैनल का आपको सिर्फ और सिर्फ GST देना होता है, सिर्फ 18%। कोई भी सिंगल चैनल आप लेते हैं, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का, चाहे या 19 रुपए का, उस चैनल पे आपको 19 रुपए का जो भी चैनल होता है उस पर 18% आपको GST देना है, और आपका जो चैनल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उस चैनल पे, पर्टिकुलर एक चैनल पे आपको NCF नहीं देना है। ठीक है जी, आपने अगर 599 का प्लान एक्टिवेट कर लेते हैं और उस प्लान को एक्टिवेट करने के बाद में आपको NCF नहीं देना है। ठीक है जी, अगर कोई भी सिंगल चैनल लेते हैं, 10 चैनल, 20 चैनल लेते हैं, आपको NCF चार्जेस नहीं देने हैं, जो कि 153 रुपए होते हैं। ठीक है जी, और मैं आपको बता देता हूँ, NCF तो नहीं देना है, लेकिन 599 के रिचार्ज के बाद में आपका वैलिडिटी 1 साल की हो जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, अगर आप कोई भी सिंगल चैनल ऐड करते हैं, 1, 2 या 4, 10 जो भी, अगर उस चैनल का पैसा आपका 50-100 रुपए होता है, तो मंथली का आपको 50-100 रुपए का ही रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है जी, महीने का। बाकी ये जो पैकेज कैसे बनाना है, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उस पर मैं आपको पैकेज एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। और पूरा इस पैक में आपके 2 पैक आते हैं, एक आता है 6 महीने का, एक आता है साल का, तो दोनों के प्राइस आप इस वीडियो में देखेंगे लाइव प्रूफ के साथ में। उसको एक्टिवेट कैसे करना है आप भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा क्या टर्म कंडीशन है इस पैक को एक्टिवेट करने की, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं बैक स्क्रीन पे। और उससे पहले अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिश टीवी या D2S से रिलेटेड हमेशा के हमेशा मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहता हूँ, तो फटाफट चलते हैं अपने। तो गाइस, आ चुके हैं हम फोन की स्क्रीन पे, और फटाफट से हमने डाउनलोड कर लेना है माई डिश टीवी एप्लीकेशन। अगर आपके पास डाउनलोड है तो कोई इशू नहीं है, आपने डाउनलोड नहीं करना है, यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पे जाना है और माई डिश टीवी लिखना है और सर्च कर देना है। डिश टीवी के एप्लीकेशन तो बहुत सारे आते हैं, अगर आप इसमें चेक करेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं डिश टीवी के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन आपने ये वाला जो एप्लीकेशन है सबसे टॉप पे आ रहा है, ये वाला आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, डाउनलोड करने के बाद में इसमें लॉगिन हो जाना है। अगर आपको लॉगिन नहीं हो पाते हैं, लॉगिन होने का तरीका आपको नहीं पता है कि लॉगिन कैसे होना है, ID पासवर्ड इसमें मांगता है या रजिस्टर नंबर मांगता है, BC नंबर मांगता है, उसके बाद पासवर्ड मांगता है। फर्स्ट टाइम आपने ऐप डाउनलोड किया उसके बाद में आपको क्या पता कि पासवर्ड क्या होता है या बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप, रिक्वेस्ट OTP, दोनों में से कुछ भी आपने नहीं डालना है, ना पासवर्ड डालना है ना रजिस्टर नंबर डालना है। ठीक है, उससे नीचे आपने रिक्वेस्ट OTP देख रहे हैं, उस OTP पे क्लिक करेंगे, आपने अपना रजिस्टर नंबर डाल देना है। रजिस्टर नंबर डालने के बाद में आपके नंबर पे OTP आएगा, OTP फिल करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, अब हमने पैक में आगे बढ़ाते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमारा जैसे कि नवीन आप नाम देख रहे हैं, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 4 कनेक्शन चल रहे हैं डिश टीवी के। ठीक है जी, 4 में से कुछ कनेक्शन मेरे डीएक्टिवेट पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। ठीक है जी, इन्हीं कनेक्शनों में से एक आधी कनेक्शन चल रहा है, बाकी सारे बंद पड़े हुए हैं। तो जो पैक की मैं बात कर रहा था, जो कि 599 में पूरे साल फ्री चलने वाला है, फ्री वाले चैनल्स, और उसके बाद में हम कोई भी चैनल लेंगे उसका NCF नहीं लगेगा। ठीक है जी गाइस, एक रिक्वेस्ट आपसे हो रहा है कि जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, कहीं आप पैकेज एक्टिवेट कर लें उसके बाद में आपको दिक्कत आए कोई भी, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है जी, बाकी आप पैक जो है आपका एक्टिवेट करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो इनमें से मैं अपना एक BC सिलेक्ट कर लेता हूँ, BC नंबर सिलेक्ट कर लिया है। एडिट पैक पे आपने क्लिक कर देना है,
एडिट पैक पे क्लिक करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ चैनल डिलीट करने का प्रोसेस, तो डिलीट करने का प्रोसेस यही है कि यहाँ पे अपने सारे जो चैनल है वो डिलीट कर देने एक एक करके। तो ये सारे चैनल कुछ इस तरीके से आपने डिलीट कर देना है, मतलब कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा चैनल एक्टिवेट नहीं होना चाहिए जो भी हम पैक बनाने वाले हैं। तो डिलीट करने के बाद में विंडो को हम हटा देंगे। विंडो को हटाने के बाद में हमने जाना है डिश टीवी कॉम्बो पे। काफी सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, बकेट्स है, एड ऑन है, एक्टिव सर्विस है या डिश कॉम्बो है। डिश कॉम्बो पे आपने जाना है। डिश कॉम्बो पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे पैकेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे पैकेज हैं, अलग अलग प्राइस में हैं, अलग अलग चैनल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। हर पैक में हर चैनल के साथ में लिखे हुए हैं कि इसमें कितने सारे चैनल मिलने वाले हैं, कितने पैसे में, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो पैसे आप देख रहे हैं इसमें एनसीएफ लगा हुआ नहीं होता है, एनसीएफ बाद में लगता है पैकेज एक्टिवेट करते टाइम। अब हम जिस पैक की बात कर रहे थे वो पैक इसमें हम देख लेते हैं कौन सा पैक है। तो जो पैक मैं आपको बताने वाला था वो हमारा ये वाला पैक है, उत्सव एनुअल पैक, ठीक है जी। उत्सव एनुअल पैक में 176 चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सारे न्यूज मिल जाएंगे, सारे भक्ति चैनल्स मिल जाएंगे, सारे पंजाबी चैनल्स मिल जाएंगे और भोजपुरी चैनल कुल मिलाकर सारे आई जाते हैं और सोनीपाल स्टार सब ये वगैरह वगैरह सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करना है। एक्सपेंड पे क्लिक करने के बाद में प्रोसीड करना है और देन सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे 599 का आपको रिचार्ज करना है। उसके बाद में पैकेज सबमिट के बाद में 599 का आपको रिचार्ज करना है, ठीक है जी। और अगर आपसे रिचार्ज से पहले मांगते हो पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, पहले पैकेज को सबमिट कर देना है आपने। इसमें आपको सारे के सारे चैनल जो एफटीए चैनल मिल जाएंगे, जैसे व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू डिटेल है इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे शुभ, दिव्या, अरियांत ये हो गए हमारे भक्ति चांस, बाकी ये सारे आप डीडी के देख रहे हैं, डीडी दूरदर्शन वाले ये सारे डीडी के हो गए। आगे हम बिग गंगा, रंगमंच, जी अनमोल या रिश्ते सिनेप्लक्स, कलर सिनेप्लक्स, स्टार उत्सव, सोनी पल, बिग मैजिक ये सारे चैनल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि फ्री वाले चैनल्स हैं ये सारे, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं देना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पंजाबी चैनल्स सारे के सारे आ रहे हैं, गाने के 9XM, MH1, 9X चकास, धूम म्यूजिक, PTC चकदे और न्यूज के चैनल सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे सिर्फ 599 में, ठीक है जी। अगर आपने ये पैकेज एक्टिवेट कर लेते हैं और आपको 599 रुपए देने हैं, उसके बाद में आपको एनसीएफ इसमें नहीं देना है अगर कोई सिंगल चैनल पे जाके एक्टिवेट करते हैं, और उस चैनल का आपको रिचार्ज अलग से करना होगा। मतलब इसमें से आपका जो होता है ना कि बराबर हो जाता है कि हाँ भाई इसी में से कटेगा, तो आपका जो 599 का जो पैक है वो रहेगा ही रहेगा, आपको कोई अलग से चैनल लेंगे तो उसी के अलग से आपको पैसे पे करने होंगे। इस पैक को एक्टिवेट करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, सबमिट करते ही एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आपने 6 महीने का ये वाला जो पैक है उत्सव सेमी एनुअल, ये 6 मंथ में सेम चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी कम ज्यादा चैनल नहीं है। और 6 महीने में हमारा 399 रुपए का जो पैक बनता है, इसमें भी हमारा 6 महीने तक एनसीएफ नहीं लगेगा। कोई भी अलग से पर्टिकुलर चैनल आप लेना पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, उसका आपको रिचार्ज अलग से करना पड़ेगा, ठीक है जी। एक हमारा है उत्सव पैक, सिर्फ उत्सव लिखा हुआ है, ये हमारा सिर्फ 30 दिन के लिए होता है और 30 दिन का जो पैक होता है हमारा 99 रुपए का होता है, ठीक है जी। 100 रुपए का आपको 1 महीने का रिचार्ज मिलेगा और सारे फ्री वाले चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। अलग से अगर आप कोई भी चैनल लेते हैं 10-20-50 के तो 150 रुपए के आपका जो पैकेज बन जाएगा, बहुत ही अच्छा पैक है। ये इन्फॉर्मेशन आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, चैनल को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। बस आपसे बस इतना ही प्यार चाहिए। और आपको अगर ये पैकेज अच्छे लगे हो, ये जो इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट से जरूर करना, ठीक है जी। और ये पैकेज एक्टिवेट करने के लिए एक टर्म कंडीशन डिश टीवी रखता है अपने कस्टमर के लिए, वो आप ध्यान से सुन लेना। ये जो पैकेज है ऑफर, जिस कस्टमर को ऑफर मिल रहा होगा उसी को ही ये पैक मिलेगा। मतलब कि कई बार क्या होता है आपके लिए ऑफर है ही नहीं तो ये पैक आपको नहीं मिलेगा। और एक और होता है जो कि मैं आपका बता दूं कि आपका अगर सट्टा बॉक्स डीएक्टिवेट पड़ा हुआ है काफी दिनों से, जैसे कि 2-3 महीने से आपका सट्टा बॉक्स बंद पड़ा हुआ है, तो उन सट्टा बॉक्स वालों के लिए 99% ये ऑफर मिलने वाला है, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं कि जी सारे डीएक्टिवेट होते हैं सब पे मिलता है, लेकिन मेरे पास अभी और भी सट्टा बॉक्स की डिटेल है,
उनके पास ये उस सब पैक नहीं है, वो भी बंद पड़े हुए, लेकिन वो भी ऑफर के हिसाब से मिलता है, 99% लोगों को मिलता है। अगर आपका सेट टॉप बॉक्स में रिचार्ज खत्म हो गया, 8 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन बीत चुके हैं, तब भी आप कस्टमर केयर से कॉल करके और ये पैकेज के नाम आप लिख लीजिए, 6 महीने का ये है हमारा, साल भर का ये है, और सब पैक ये हमारा 1 महीने का, ठीक है जी। तो ये पैकेज आपने एक्टिवेटेड में से कोई सा भी करा लेना है और अपने फ्री वाले चैनल देख सकते हो। उसके बाद में अलग से कोई भी चैनल, सिंगल चैनल 1, 2, 4, 10 जो भी है, स्पोर्ट्स के मैच के कार्टून के अलग से ले सकते हैं, ठीक है जी। बस वीडियो फिलहाल में इतनी है, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ लिखना है। थैंक यू जी, बाय।